गांधी की जो बात कही है वो सच है कि लड़ाख में पेंगोन वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली। राहुल गांधी की बात सच है, आता देखील थोड्या वेळातच शरद पवार आणि उदय सामंत यांची भेट होणार आहे या बायबी चव्हाण सेंटरला। कशा प्रकारे बघता या भेटीमध्ये ममता बॅनर्जीने दावा केलेला आहे बाबरी आणि अयोध्याचा देखील मुद्दा असणार आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात बाबरी आणि अयोध्याचा देखील मुद्दा संपलेला आहे. शहीद झाले त्यांना द्यावं लागेल, त्यात शिवसेनेचा सहभाग आहे। सर हिंदी में जान जाएंगे, आशंका जताई जा रही है, आपने भी आशंका जताई कि चुनाव के पहले कुछ बड़ी धार्मिक घटना हो सकती है, क्यों आपको ये डर सता रहा है? हमको ये डर सता नहीं रहा, ये सत्य है। लोगों के मन में जो डर है वो राजनीतिक पर चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, वो राजनीतिक पर और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का ना काम कर सकते, ऐसा आरोप सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं आगरा के बाद कि पुलवामा हुआ नहीं क्या है चुनाव जीत मुद्रा के बारे में भी यही कहते हैं। लोगों के मन में शंका तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए लोगों में भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है हमें शंका है कि जो राम मंदिर के उद्घाटन होने जा रहा है उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर और ट्रेन के ऊपर आके गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है और ये हमारा काम है कि लोगों के साथ रहना। अगर नहीं है कोई सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार से कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना है। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। सर नितीन गडकरींना अडकवण्याचा कट केला जात आहे कॅगच्या हवालाद्वारा असं विरोधी पक्षाकडनं म्हटलं जात आहे, नितीन गडकरींची बाजू घेत आहे विरोधी पक्ष। माझ्याकडे त्याबाबत माहिती नाही, नितीन गडकरी एक महत्वाची नेते आहे, कार्यक्षम मंत्री आहेत मोदी मंत्रिमंडळातील आणि त्यांचंच काम सध्या देशभरात दिसत आणि भविष्यामधलं ते नेतृत्व आहे त्या देशाचं आणि जे कुणाच्या वाटेत अडवले जातात त्यांना कसं खतम करायचं यासाठी अनेक यंत्रणा राबवल्या जातात हे सगळ्यांना माहिती आहे। जहाँ ये इंडिया की बैठक होने वाले वहाँ उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, अशोक राव चव्हाण कांग्रेस के नेता और भी सभी लोग आएंगे और कल आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल का जवाब मिले। स्वरूप क्या होगा तो सर क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि लगातार कहा जाए कि बहुत बड़े कई मुद्दों को चर्चा हुई जिसपे अभी आपने जिक्र किया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया मुंबई में जहाँ हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी, पार्टी को तोड़ा है, इंस्टीट्यूट को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्वभूमि पर ही मीटिंग हम लोग यहाँ करने का हमारी सरकार ईव्हीएमचा महत्त्वाचा मुद्दा असेल याच्यामध्ये ऐसे बहुत से मुद्दे है जहाँ सर बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे में जहाँ जिस जगह आप लोग की बैठक हुई वहाँ पर
बग लगाया जा सकता है ताकि आप लोग की चर्चा लीक हो सके, जानकारी मिल सके। किस तरह की आशंका जताई जा रही है? लगा दो बग, लगा दो या कम लगा दो, हम डरने वाले नहीं। मीटिंग होगी, सभी नेता बनाएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, कौन चाहिए आप नाम ले लो, सब आ रहे हैं। सर देशातील एवढे सर्व पक्ष एकत्र येत आहेत या बैठकीत, अपना हिस्सा बताया, ये कैसे देखते हैं आप? चाइना ने हम क्या देखते, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ग्रीस में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना था, आपको कैसा लगता है? वाह, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लडाख में पेंगोन वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली। तो राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है, और अरुणाचल के चाइना घुसने की कोशिश कर रही तो रोज सर्जिकल स्ट्राइक हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिखाई। सर इंडिया बैठकीमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे घेणार आहेत, त्याचबरोबर अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे जागा वाटपाचा, यावर चर्चा होणार आहे का? जागा वाटपाची चर्चा या बैठकीत होणार नाही। त्या संदर्भात जो प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे त्याच्यावरती उद्याची पत्रकार परिषद आहे या इंडिया बैठकीच्या तयारी संदर्भात, आणि त्या बैठकीला स्वतः उद्धव ठाकरे उपस्थित राहतील, शरद पवार साहेब आहेत, काँग्रेसचे महत्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत, नाना पटेल असतील, अशोक चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, हे सगळे प्रमुख नेते उपस्थित राहतात, इतर सुद्धा व्हिडिओ एक बैठक उपस्थित आहे, पण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद महायुतीच्या ज्या दिवशी आपली इंडियाची बैठक आहे गुरुवार आणि शुक्रवारी त्या दिवशी महायुतीच्या नेत्यांनी देखील त्यांची 48 मतदारसंघाच्या आढावाची 2 दिवसाची बैठक ठेवली आहे, काय वाटतं याच बैठकीला काउंटर करण्यासाठी? बघा, इंडियाला कोणी काउंटर करू शकत नाही, इंडियाचं जे घोषवाक्य आहे भारत जितेगा, आता आमची जी घोडदौड सुरू आहे इंडियाचे भारताची, रोखणं कोणाला शक्य नाही, तुम्ही कितीही आडवे या, बरं का, आम्हाला काही फरक पडत नाही, या देशामधलं वातावरण बदलत आहे, आणि 2024 आएगा तो मोदी नाही, जायगा तो मोदी। आता देखील थोड्या वेळातच शरद पवार आणि उदय सामंत यांची भेट होणार आहे या वायबी चव्हाण सेंटरला, कशा प्रकारे बघता या भेटीकडे? अशा बैठका होतात, ममता बॅनर्जी ने दावा केलेला आहे आज मीटिंग लेने वाले हैं अपने एमएलए के साथ, कितने लोग हैं उनके साथ, और लोकसभा की सीट्स पे भी डिसाइड करेंगे, इंडिया में भी क्या डिस्कशन होगा उसमें भी इंडिया में इस बारे में डिसाइड नहीं होगा, इस बैठक में हम तीनों बैठक। सर, आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है लोकसभा के सीट्स के लिए, कितने इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र से, वो 18 सांसद कायम रहे, वो आंकड़ा कायम रहे लोकसभा, और एक दादरा नगर हल 19 के 20 हो गए, 19 के 15 में कितनी बड़ा सवाल है। कल उद्धव जी ने हिंगोली की सभा में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बगैर उन्हें तरबूज कहा था, बहुत सिंपल सर, लोकसभेच्या मध्ये लोकसभा निवडणूक बघता देशातील सर्व हेलिकॉप्टर्स जे आहेत ते बुकिंग करण्यात आलं असं ममता बॅनर्जी दावा केलेला आहे। आम्ही पायी प्रवास करू आणि पायी पायी प्रचार करू, तुम्ही हवेत उडत राहा, आम्ही जमिनीवर जनतेबरोबर राहू, आम्हाला काही चिंता नाही, तुम्ही विमानं उडवा, हेलिकॉप्टर उडवा, इतकंच काय, प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षाने चंद्रयान जरी आणलं आणि त्याच्यावरून जरी प्रवास प्रचार केला तरी आम्हाला काही फरक नाही, जरूर चंद्रयान 3 बोलवायचं, जरूर चंद्रयान 3 हा लाइये और उसको ऊपर से प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं, ये मैं कहूंगा। हाँ सर, पालकमंत्र्यांना तिरा सुटलेला नाहीये, चंद्रकांत थँक्यू थँक्यू सर।